देखिए वैसे तो इंसान जब तक कुछ गलत नहीं करता, खुद से धक्के नहीं खाता, ठोकर नहीं लगती, वो नहीं सीखता। पर किसी समझदार इंसान ने कहा है कि गलतियां कर कर अगर सीखने लगे ना बेटा तो सारी जिंदगी निकल जाएगी पर गलतियां खत्म नहीं होगी। तो ऐसे ही कुछ किस्से हैं जो मैंने रियल लाइफ में फेस किए हैं और कुछ मैंने आर्टिकल पढ़ के भी निकाले हैं जो कि मेरी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं और शायद आपको भी करेंगे कि जॉब में आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। एक ही जगह पर लंबे टाइम तक काम करना, देखिए एक ही जगह पर लंबे टाइम करने के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। अगर आप एक लंबे समय तक काम करते हो तो आपके लिए वो एक कंफर्ट जोन सा बन जाता है, आपको वहां पर किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती, आप आते हो जाते हो मनमर्जी से हो जाती है आपकी, ये प्लस पॉइंट है। और साथ ही टाइम के साथ आपके जो बढ़ोतरी है उसमें भी फायदेमंद होता है कहीं ना कहीं। पर अगर आप एक ही कंपनी में टिके रहते हो ना तो कई बार मालिक ये भी सोच लेता है कि ये तो कहीं का नहीं है, अब ये यहीं मरेगा, यहीं सड़ेगा, बस इसकी लाइफ यहीं तक है। तो कभी कभार ये चीज़ नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। और दूसरी तरफ अगर लाइफ में थोड़ी क्विकली प्रोग्रेस भी करनी है ना तो नौकरी बदलते भी रहना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बदलते रहो, बट एक टाइम के बाद बदलते जरूर रहना चाहिए ताकि आपको और नए कॉम्पिटिशन और इस कंपनी के अलावा बाहर क्या चल रहा है वो भी सीखने को मिले। Your jobs is not permanent. आप कंपनी के लिए उतने ही जरूरी है जितने की ओके में ए और वाई। हमेशा याद रखना जब भी मंदी का दौर आता है ना तो सबसे पहले जो रिप्लेस किए जाते हैं वो है, यानी कि जो छटनी होती है वो लेबर्स की ही होती है, यानी कि एम्प्लॉयज की। और अगर कंपनी में आपके सेम काम का कोई अल्टरनेटिव मौजूद है ना तो भाई साहब आपको कभी भी रिप्लेस कर दिया जा सकता है और ना ही आप कोई डिमांड कर सकते हो अगर अल्टरनेटिव मौजूद है तो। कंपनी के लिए आप कितने ही पुराने एम्प्लॉय हो जाओ, अगर आप कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपका कोई सुख नहीं है तो आपको निकालने में टाइम नहीं लगाएगी कंपनी, चाहे बेशक से आपने 15 साल ही काम क्यों ना किया हो या फिर 20 साल एक ही कंपनी में। अवॉइड गोसिप, देखिए मैं बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, किसी भी स्टाफ या बॉस से कोई भी गलत चुगली गाली कुछ भी नहीं करनी आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है आज एक बॉस जो आपके करीब है वो कल के आपके कोलीग्स जो आपका स्टाफ है उसके करीब आने में उसे टाइम लगेगा। यानी कि ऑफिस का पॉलिटिकल माहौल होता है, कब कौन किसके साथ कैसे लिंक हो जाए ना तो आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। तो दैट्स वाई अपनी बातों को, अपने मन मुटाव को अपने अंदर ही रखें, थोड़ा बहुत लिटिल बिट शेयर करें, पर ऐसा भी नहीं कि कल को जो उसको सामने वाले को बात पता लगती है तो आपकी झोंक पर तलवार लटक जाए, वो अलग। और आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं दैट्स व्हाई आपको बता रहा हूँ। वर्क मिस्टेक, देखिए कंपनी में ऑफिस में गलतियाँ होना, क्रिटिकल मिस्टेक्स होना कॉमन है, ये सबके साथ कभी ना कभी एक ना एक बार जरूर होता है, तो ये एक प्रसाद है, तो ये कभी ना कभी सबको एक बार जरूर मिलता है। पर इस डांट की वजह से अपना मन छोटा ना करें और ना ही इसका गुस्सा जाकर अपने घर पर निकाले, तो ये लाइफ में चलता रहता है, ऑफिस में चलता रहता है ऐसा। अगर आप गलती करोगे तो जाहिर सी बात है आपको सर झुका के सुनना भी पड़ेगा। अपने आप को ऐसा मेक श्योर करो कि नेक्स्ट टाइम और रिपीटेड गलती ना हो, गलती हो पर वो गलती ना हो, ये ध्यान रखना। डोंट एक्सपोज, देखिए लाइफ है, बहुत बार हमारा दिल दुखता है और इस बहकाव में आकर कभी कभार हम अपने सामने वाले स्टाफ को, कोलिग्स को अपने दिल की बातें बता देते हैं, अपनी पर्सनल बातें बता देते हैं, अपना फ्यूचर प्लान एक्सपोज कर देते हैं। तो भाई ये कभी मत करना, क्योंकि बाद में आपका मजाक भी उड़ सकता है और आपकी इस चीज़ के लिए आपको बेइज्जत भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और शायद इस एक्सपोज में आप कुछ अपनी ऐसी दुविधा बोल दें जिसका बाद में ऑफिस के कोलीग, स्टाफ, बॉस आपका फ़ायदा भी उठाना चाहते हो, जैसे कि ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये जॉब चली गई तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है वगैरह वगैरह। तो इस बात का ध्यान रखें। ऑफिस डिस्प्यूट, ऑफिस में मनमुटाव होना, झगड़ा होना, गाली गलौज होना आम है, डिस्प्यूट की पॉलिटिक्स चलती रहती है। बट इस पॉलिटिक्स में ये ध्यान रखें, एक थोड़ा सा लहजा और मर्यादा बनाए रखें कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता ना तो गाली गलौज ना करें, क्योंकि इससे आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको बाद में गंदी नज़र से देखेंगे कि यार ये तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है, इसकी तो कोई इमेज ही नहीं है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं दूसरी कंपनी में भी चले जाते हो, वहाँ पर आपके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें उड़ जाती हैं कि ये तो लड़ने को तैयार रहता है, गाली देता है, तो ये आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। अपना क्रेडिट खुद ले, ऑफिस में अगर आप कोई काम करते हो बॉस के सामने, मैनेजर के सामने ना, उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करें, ये नहीं है कि सीनियर को दे दिया, क्योंकि जब तक आप अपने क्रेडिट खुद नहीं लेंगे ना तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते।
ज़्यादा महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। खुद काम करा तो खुद ही रिप्रेजेंट करो, गलतियाँ भी मानो और क्रेडिट भी लेना सीखो, दोनों काम करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि हमेशा कहते रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, कब आपको लात लग जाए आपको पता नहीं लगेगा, तो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिए, नई स्किल डेवलप करते रहिए और एक ही जॉब के भरोसे ना बैठे, हो सके तो एक दूसरा अल्टरनेटिव भी तैयार रखें, क्योंकि आज के टाइम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।